दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रकट हो, प्रकट हो दैत्य गुरु, प्रकट हो। विध्वंसक शक्तियों की बार बार पराजय से राहु का मन खिन्न हो गया है, उसकी खिन्नता का शमन करें दैत्य गुरु। प्रकट हो, प्रकट हो दैत्य गुरु, प्रकट हो, प्रकट हो। प्रणाम दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपकी उद्विग्नता देखकर मुझे इस बात का आभास हो गया है कि जिस बात से हम उद्विग्न हैं वही बात आपको पीड़ित कर रही है। तुमने उचित समय पर हमारा आवाहन किया है राहु। वास्तव में विध्वंसक शक्तियों की बार बार पराजय से हमारा मन भी उद्विग्न है। इस पराजय के उत्तरदायी हम और आप नहीं है दैत्य गुरु। हमें भली भांति ज्ञात है राहु कि तुम्हारा संकेत विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव की ओर है। हाँ दैत्य गुरु, शनिदेव के अहंकार ने विध्वंसक शक्तियों को बार बार पराजय का विष पीने पर विवश कर दिया है। हर एक का अपमान करना, हर एक को अपने से तुच्छ समझना शनिदेव का स्वभाव बन गया है। हमें ज्ञात है कि कुछ समय पूर्व शनिदेव ने तुम्हें स्वार्थी और अवसरवादी कहकर तुम्हारा घोर अपमान किया है। दैत्य गुरु, इस अपमान के कारण मैंने भविष्य में शनिदेव की किसी भी प्रकार की सहायता न करने का निश्चय किया है। दैत्य सेनापति राहु, तुम्हारा ये निर्णय व्यक्तिगत हित और शनिदेव को मर्यादा का पाठ पढ़ाने की दृष्टि से उचित है, किंतु किंतु क्या दैत्य गुरु? तुम्हारे इस निर्णय से विध्वंसक शक्तियों की शक्ति क्षीण हो जाएगी और शुभ शक्तियां दुष्ट देवता और छलिया विष्णु इस अवसर का लाभ उठाने में सफल रहेंगे। दैत्य गुरु, आपकी संकेत भाषा मेरे तनिक भी समझ में नहीं आई। तुम इस सत्य से अपरिचित नहीं हो राहु कि दुष्ट देवता सदैव विध्वंसक शक्तियों के संगठन को छिन्न भिन्न करने को उत्सुक रहते हैं। अपमान तो शनि देव ने मेरा भी किया है। ये आप क्या कह रहे हैं दैत्य गुरु? मैं सत्य कह रहा हूँ राहु, विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनि देव ने तो मेरा दैत्य गुरु पद ही संकट में घोषित कर दिया था। अर्थात? अर्थात शनि देव का अहंकार तो दैत्य गुरु पद पर किसी और को सुशोभित करवाने का इच्छुक है। असंभव, दैत्य गुरु का पद आपको शनि देव के कृपा से प्राप्त नहीं हुआ, अपितु ये पद दैत्य जाति से अनन्य प्रेम और छलिया विष्णु के दैत्य जाति के विरुद्ध घोर अन्याय के कारण प्राप्त हुआ है। हम और पातालवासी असुर शक्तियां इस महान पद के लिए आपके अतिरिक्त किसी की कल्पना भी नहीं कर सकते। अहंकारी शनिदेव का यह कहने का दुस्साहस कैसे हुआ? शनिदेव के दुस्साहस नहीं तो मेरे मन की दुविधा को झकझोर डाला था। हर ओर से निराश, हताश और उदास होकर हमने अपने मन की दुविधा के शमन के लिए दैत्यों के आराध्य भगवान शिव से प्रार्थना की। तो क्या भगवान शिव ने आपकी उद्विग्नता का शमन किया? आशुतोष भगवान शिव को सच्चे मन से याद करने वाला कभी निराश नहीं होता, इसीलिए तो वो भोलेनाथ है। भगवान शिव जीव जाति धर्म और पद से नहीं अपितु कर्म से प्रेम करते हैं। क्या कहा भोलेनाथ ने? दैत्य सेनापति राहु, भगवान भोलेनाथ ने भक्ति का दिव्य ज्ञान प्रदान करते हुए कहा कि सतयुग भक्ति प्रधान समय है। इस युग में भक्ति और श्रद्धा दोनों की महानता विकसित होगी। अर्थात? अर्थात इस समय विध्वंसक शक्तियां युग परिवर्तन की धैर्य के साथ प्रतीक्षा करें। कब होगा यह युग परिवर्तन दैत्य गुरु? उत्तेजित न हो राहु, भगवान भोलेनाथ ने हमसे स्वयं कहा
कि युग परिवर्तन और असुरों की भूमिका प्रारंभ होते समय हमारा संकेत स्वयं प्राप्त हो जाएगा। हर हर महादेव। राहु, हमें शिव कृपा पर पूर्ण विश्वास है, किंतु हमें शनिदेव के अहंकार का कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही होगा। दैत्य गुरु, प्रतीक्षा करो राहु। प्रियव्रत, अपने पिता सूर्य देव और अन्य ग्रहों से पराजित होकर शनि देव का अहंकार अवश्य खंडित होगा। नहीं दैत्य गुरु, नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। तुम क्या कहने के इच्छुक हो? पराजित होकर अहंकार खंडित हो जाने वाला तत्व नहीं है। अर्थात? अर्थात का उदाहरण आपके सामने खड़ा है। छलिया विष्णु के चक्र सुदर्शन से अपना मस्तक कटवाने के पश्चात भी क्या दैत्य सेनापति राहु का अहंकार खंडित हुआ? क्या वैकुंठ के महासम्मेलन में उसी छलिया विष्णु द्वारा अपना घोर अपमान करवाने के पश्चात आज तक आपका अहंकार खंडित हुआ? राहु, सत्य को सुनकर उत्तेजित ना हो दैत्य गुरु। इस बार बार की पराजय से शनि देव का अहंकार खंडित होने के स्थान पर और अधिक विध्वंसक हो जाएगा। जीवन में पहली बार तुम्हारे मुख से सत्य सुन रहा हूं राहु। शनि देव का प्रतिशोध और प्रतिरोध कभी थमने का नाम नहीं लेता। सागर की लहरों के भांति मिटकर भी उफनता ही रहता है। बृहस्पति, सूर्य आदि हमारे विरोधी ग्रहों के संगठन ने शनिदेव की विध्वंसक शक्तियों को चुनौती देने का दुस्साहस किया है। इसका परिणाम उनके हित में शुभ ना होगा ना। लंबे समय के पश्चात आपके दर्शन हुए हैं शनिदेव। शुक्राचार्य, शनिदेव इस समय आपको अपने दर्शनों से कृतार्थ करने नहीं आए हैं, अपितु आपको ये बताने आए हैं कि आप हमारी पराजय से प्रसन्न होकर उत्सव ना बनाएं, ना। आप अन्यथा सोच रहे हैं शनिदेव। आपकी पराजय से हम दुखी हैं। सत्य तो ये है कि ये पराजय आपकी नहीं अपितु विध्वंसक शक्तियों के संगठन की है और इसके उत्तरदायी हम सब हैं। आपने शनिदेव के मन को प्रसन्न कर दिया शुक्राचार्य। आपने शनिदेव के मन को प्रसन्न कर दिया शुक्राचार्य। मैं तो सोचता था कि शिव भक्ति में लीन आपका मन दैत्य और असुर जाति के विरुद्ध भयानक षड्यंत्र कर रहा है, किंतु आपके मन की भावना सुनकर विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव को विश्वास हो गया कि आप, केवल आप ही दैत्य जाति के सच्चे हितैषी हैं। और मेरे विषय में आपके क्या विचार हैं शनिदेव? स्वार्थ की साधना कर अवसर पर घात लगाने वाले राहु के विषय में मेरे विचार बार बार नहीं बदलते। अर्थात? अर्थात ये कि राहु के स्वभाव को भली भांति ज्ञात करने वाले शनिदेव राहु के विषय में विचार करना अपना समय नष्ट करना समझते हैं। शनिदेव, मैं एक निवेदन करने का इच्छुक हूँ। अवश्य अवश्य शुक्राचार्य, अवश्य। आज आप एक नहीं अनेक अनेक निवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आज आपने शनिदेव के मन को प्रसन्न किया है। कहें शुक्राचार्य, क्या कहने के इच्छुक हैं? शनिदेव, ये सतयुग भक्ति प्रधान युग है और इस युग में भक्ति और श्रद्धा की महानता ही विकसित होगी। हाँ? तो क्या हम
आपकी भांति शिव आराधना में लीन हो जाए शुक्राचार्य। ओम नमः शिवाय और ओम नमो नारायणाय का जाप करें। हाँ, यदि आप ऐसा कर सकें तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा शनिदेव, किंतु आप ऐसा कर नहीं सकेंगे। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि विध्वंसक शक्तियां आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे पर विश्वास करते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए युग परिवर्तन की प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा करना शनिदेव का स्वभाव नहीं शुक्राचार्य। इस संसार का समस्त राग द्वेष, छल कपट, नीति अनीति कुनीति, दृष्टि कुदृष्टि, ईर्ष्या को आश्रय प्रदान करने वाले शनिदेव को यह अहंकार तो है कि प्रतीक्षा और धैर्य जैसे तत्व शनिदेव को स्पर्श भी नहीं कर सकते। इसका परिणाम बार बार आपके सामने आ रहा है शनिदेव। परिणामों से भयभीत होकर भीरुओं की भांति शनिदेव अपनी विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक दृष्टि का प्रयोग विष्णु भक्तों के विरुद्ध स्थगित कर दें। हम स्थगित का परामर्श नहीं दे रहे हैं शनिदेव। परामर्श देने का दुस्साहस ना कर रहू, निवेदन कर निवेदन, प्रार्थना कर प्रार्थना, क्योंकि परामर्श में आदेश की भाषा रहती है जो शनिदेव को तनिक भी प्रिय नहीं। विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव, हम आपकी इस बात से सहमत हैं कि यदि विध्वंसक शक्तियां इस समय शांत रहकर प्रतीक्षा करने लगी तो छलिया विष्णु और दुष्ट देवता इस अवसर का लाभ उठाने से नहीं चूकेंगे। हमें अपनी संगठित विध्वंसक शक्ति से विष्णु भक्तों को पराजित करना है। किंतु किंतु कहकर रुक क्यों गए शुक्राचार्य? कहें, क्या कहने के इच्छुक हैं? शनिदेव, हमारे मन में एक दुविधा उत्पन्न हुई है। दुविधा? कैसी दुविधा शुक्राचार्य? शनिदेव, हमारे आराध्य भगवान शिव ने हमें स्वयं कहा कि युग परिवर्तन होने तक प्रतीक्षा करें, और एक शिव भक्त होने के कारण मेरे मन में यह दुविधा जन्मी है कि मैं शिव आज्ञा का पालन करूं अथवा विध्वंसक शक्तियों के संगठन को सक्रिय सहयोग प्रदान करूं। अपनी इस दुविधा का शमन आपको स्वयं करना होगा शुक्राचार्य, स्वयं। शनिदेव और विध्वंसक शक्तियां आपके सक्रिय सहयोग से अवश्य प्रसन्न हो सकती है, किंतु सहयोग ना मिलने पर इनके प्रहार और अभियान की शक्ति पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ेगा शुक्राचार्य। शनिदेव, आप विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता हैं। मैं आपकी विध्वंसक शक्तियों से भली भांति परिचित हूं, किंतु आवश्यकता और विध्वंसक शक्तियों के संगठन के सदस्य होने के कारण मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है और पुकार पुकार कर कह रही है कि भृगु पुत्र शुक्राचार्य, अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन कर। एक लंबे समय के पश्चात विध्वंसक शक्तियों को आपने अपना सक्रिय सहयोग देने का जो निर्णय किया है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं शुक्राचार्य। हाँ, और मेरे विषय में क्या आज्ञा है शनिदेव? दैत्य गुरु शुक्राचार्य के निर्णय के पश्चात दैत्य सेनापति राहु के कर्तव्य स्वयं ही निश्चित हो गए हैं। हम तीनों ने मिलकर विरोधी शक्तियों, दुष्ट देवताओं और छलिया विष्णु को अपनी शक्ति का आभास करवाना है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य सेनापति राहु,
हमें भली भांति ज्ञात है कि उत्तानपाद की पहली पत्नी सुनीति के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वो इस संसार में विष्णु भक्ति का एक नया अध्याय रचेगा। किंतु हमें अपने सामूहिक प्रयास से सुनीति के गर्भ को खंडित करना है। अवश्य अवश्य ऐसा ही होगा। आप निश्चिंत रहें देवगुरु, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे विध्वंसक शक्तियों के संगठन के निश्चय का भली भांति ज्ञान है। गृहपति सूर्यदेव, आप विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव के पिता हैं। शनि स्वभाव से हठी और अहंकारी हैं। वो किसी भी मूल्य पर पराजय स्वीकार नहीं करते हैं। देवगुरु, सात्विक और शुभ ग्रहों ने महारानी सुनीति की सुरक्षा के लिए शनिदेव को उसके दुस्साहस का उचित दंड दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि शनि अब महारानी सुनीति की ओर देखने की उद्दंडता पुनः नहीं करेगा। आश्चर्य है, विध्वंसक शक्तियों के निर्णय का ज्ञान होने पर भी आप ये बात कह रहे हैं। सज्जन और सदाचारी अपमानित उत्तेजित होने से अपना मार्ग परिवर्तित कर देते हैं, किंतु दुर्जन और दुराचारी अपमानित और उत्तेजित होने से और भी अधिक भयानक और विध्वंसक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा क्या करना उचित होगा देवगुरु? गृहपति सूर्यदेव, आप समस्त सात्विक और शुभ ग्रहों को निर्देश दें कि वे अपने निर्धारित कार्यों के साथ परम विष्णु भक्तिन महारानी सुनीति पर दृष्टि रखें। यदि विध्वंसक ग्रह उन्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा करें तो शुभ ग्रह उन्हें दंडित करें। यही उचित होगा। मैं समस्त शुभ ग्रहों को आपका निर्देश भिजवाने के साथ ही महारानी सुनीति की सुरक्षा के प्रति सावधान कर देता हूं। देवगुरु, मन में अभी अभी एक भावना ने जन्म लिया है। कहें गृहपति सूर्यदेव, मन की भावना भगवान विष्णु की प्रेरणा के बिना जन्म ले ही नहीं सकती। समस्त सात्विक ग्रहों को महारानी सुनीति की सुरक्षा के प्रति सावधान करने के साथ ही क्यों ना हम स्वयं महारानी सुनीति को सावधान करें, भागवत भक्ति में लगे उनके निश्चय को और अधिक अटल करें। साधु साधु, आपके मन में श्री विष्णु के पास से जिस प्रेरणा ने जन्म लिया है उसे पूर्ण करने में विलंब ना करें। शुभस्य शीघ्रम।